आदिशक्ति माता विशालाक्षी देवी की वार्षिक अलंकार अन्नकूट महोत्सव की झांकी सजाई जाएगी। माता आदिशक्ति विशालाक्षी देवी का वार्षिक अलंकार अन्नकूट महोत्सव आगामी 2 नवंबर को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शनिवार के दिन होना सुनिश्चित हुआ है। माता के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे पट खोल दिया जाएगा। मंदिर के महंत राधेश्याम दुबे के द्वारा मां का पंचामृत अभिषेक व श्रृंगार कर माता को विभिन्न प्रकार के फल, मिठाई और अन्न का नैवेद्य लगाया जाएगा। माता विशालाक्षी के दर्शन की झांकी नाना प्रकार के लड्डुओं से सजाई जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी मंदिर के महंत राधेश्याम दुबे व कन्हैया दुबे ने संयुक्त रूप से दी। माता की शयन आरती रात्रि 11:30 बजे होगी। इस अवसर पर भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। आगामी 2 तारीख को माता जी का लड्डू अलंकार अंकुर का श्रृंगार है। क्या खास होगा? खास ये होगा कि माता को पूरा चांदी का वस्त्र पहनाया जाएगा और 150 करीब किलो लड्डू रहेंगे, बाकी और प्रसाद में मीठा रहेंगे, चावल दाल पूरी का भोग भी रहेगा। तो इस दरबार में आने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है माता की? फल की प्राप्ति तो इतनी होती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुत ही फल प्राप्त होता है माता का दर्शन करने से, क्योंकि साक्षात शक्ति पीठ है, शक्ति है। ये देवी का ये मंदिर है कहाँ? ये विशालाक्षी देवी का मंदिर है, यहाँ माता सती का कर्ण कुंडल गिरा हुआ है। कहाँ कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, मद्रास से भी आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, दिल्ली से भी, गाजीपुर से भी, पटना से, मतलब हर शहरों से आते रहते हैं। 5 बजे मंदिर जो है तैयार करके खुलेगा आरती होके, फिर 12 बजे एक आरती होगी, फिर 5 बजे एक आरती होगी, फिर रात को 11:30 बजे आरती होके पट बंद हो जाएगा। क्या है, कब और क्या करने जा रहे हैं? प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता का जो है लड्डू अलंकार और अन्नकूट का उत्सव है। ये 2 नवंबर को प्रतिपदा तिथि शनिवार को होगा। कितने बजे तक ये चलेगा कार्यक्रम? ये सुबह प्रातः काल 5 बजे यहाँ के महंत राधेश्याम दुबे जी द्वारा माता का पंचामृत अभिषेक करने के बाद पट खोल दिया जाएगा और उस समय फिर माता का दर्शन चालू हो जाएगा। क्या खास होगा इस बार? इस बार खास ये है कि माता का पूरा चांदी से वस्त्रों से अलंकार किया जाएगा और लड्डू से पूरा अलंकार किया जाएगा, अन्न का भोग लगाया जाएगा, क्योंकि अन्नकूट नाम है, ये बहुत जरूरी है। अन्न का भोग लगेगा जिसमें दाल चावल, माता को दाल चावल बहुत प्रिय है, ये दुर्गा सप्ता सती में भी लिखा हुआ है, दाल चावल और आपका दही और खीर, ये सब का भोग लगेगा जिसमें लड्डू रहेगा, नमकीन रहेगा, मीठा रहेगा, पान रहेगा, ये सारे प्रकार के चीजों का माता के यहाँ दरबार में एक लगा के और उस पे भोग लगाया जाएगा। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम? इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह माता शक्तिपीठ हमारे बनारस में आई हैं और साक्षात प्रकट भई हैं, अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें और यहाँ माता का दर्शन कर अपने जीवन को सफल व सुखमय बनावें।